गुड मॉर्निंग डियर पेरेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं नया साल आने को है। मेरी तरफ से, हमारे स्कूल के स्टाफ की तरफ से, चेयरमैन सर की तरफ से, मैनेजर मैम की तरफ से, प्रिंसिपल मैम की तरफ से आप सभी पेरेंट्स को और सभी प्यारे बच्चों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका आने वाला साल बहुत ही ऊर्जावान हो, आप जीवन में खुशियाँ पाएं, खूब आगे बढ़े, खूब तरक्की करें, माँ बाप के सपनों को पूरा करें और अपने सपनों को पूरा करें। इसी आशा के साथ मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको नए साल के लिए। और कुछ बातें थी जो मैं पेरेंट्स से डिस्कस करना चाह रहा था और बच्चों को भी इसके बारे में बताना चाह रहा था, क्योंकि समय अभी बदल रहा है बड़ी तेजी से, हालात अभी और ज़्यादा चेंज होंगे, जिसके बारे में मैं भी प्रिडिक्ट तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं जो मीडिया के थ्रू और जो रोज़ गवर्नमेंट से गाइडलाइन इशू हो रही है उनके द्वारा जो इन्फॉर्मेशन है मेरे पास, मैं पेरेंट्स और बच्चों को बताना चाहता हूँ ताकि उनको सही इन्फॉर्मेशन मिल सके। पेरेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आने वाले समय के अंदर कोविड फिर से अपने नए वेरियंट के साथ पैर पसार रहा है और आए दिन केस बढ़ ही रहे हैं। गवर्नमेंट बहुत कोशिश कर रही है इसको कंट्रोल करने की, गवर्नमेंट अपनी तरफ से पूरी जी जान लगा रही है कि इसको कंट्रोल किया जाए, और इसके लिए वो आए दिन कुछ ना कुछ नए गाइडलाइन इशू कर रही है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गवर्नमेंट ने अभी 11 बजे से लेके सुबह 5 बजे तक का कर्फ्यू लगा दिया है। हो सकता है आने वाले कुछ दिनों के अंदर स्कूल कॉलेज फिर से शट डाउन किए जाएँ कुछ समय के लिए, लेकिन आप लोग हताश ना हो, निराश ना हो, सभी बच्चे अपने ऑनलाइन से बिल्कुल कनेक्ट रहें, क्योंकि अब आप अगर लूज़ करेंगे इस चीज़ को तो आने वाले टाइम में एग्ज़ाम में आप बहुत कुछ लूज़ कर जाएंगे बच्चे, खास तौर से 10th और 12th के बच्चों के लिए मेरा स्पेशल मैसेज है बेटा, बिल्कुल भी गलती मत करिएगा, क्योंकि ये 15 दिन आपको फिर आगे एग्ज़ाम में भुगतने हैं। अगर इससे ज़्यादा दिन होते हैं तो, लेकिन फिर भी आप ऑनलाइन क्लासेज आप अपनी रेगुलर रखिए, अपना टाइम से उठिए, अपना टाइम से अपना शेड्यूल बनाइए, टाइम टेबल बनाइए, ताकि आपको दिक्कत ना आए किसी भी तरीके की। मैं देखता हूँ बहुत से बच्चे जो हैं क्लास अटेंड ही नहीं करते हैं, इससे किसी का नुकसान नहीं होना बेटा, आप सभी जानते हैं पेरेंट्स और बच्चे कि इससे सिर्फ बच्चे का, आपका ही नुकसान होना है, टीचर को या स्कूल का इसमें कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि आने वाला समय आपका है, आने वाली ज़िंदगी आपको जीनी है, अपने हिसाब से जीनी है, और जो इंसान आज नहीं लड़ेगा वो कल कैसे लड़ेगा, तो इसीलिए आज लड़ना सीखिए तो कल जीतना सीखेंगे, और जीतता वही है जिसको लड़ना आता है। तो लड़ने से डरिए मत, ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो जाती हैं, मैंने देखता हूँ कि बहुत से बच्चे उठ के अपने बिस्तरों में आराम से सो रहे हैं, ये कोई अच्छी बात नहीं है, आप पूरी रात आपके पास होती है, आराम से सोइए, आप टाइम से सोइए, टाइम से उठिए, टाइम से खाना खाइए, टाइम से आप लोग नहाइए, सारी चीज़ें आप टाइम से संबंधित हैं, जितना आप टाइम को फॉलो करेंगे उतना ही आप एक अच्छे इंसान बनेंगे, अच्छे इंसान बनने के साथ साथ आप कामयाब रहेंगे लाइफ में। तो सभी पेरेंट्स से मेरी एक ये रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को वो टाइम से उठना सिखाए, टाइम से तैयार होना सिखाए, टाइम से एक्सरसाइज करें और टाइम से ही अपना पढ़ने बैठें और क्लास टाइमली अटेंड करें। ऐसा ना करें कि आप मोबाइल को ऑन कर लें और कुछ और काम कर रहे हैं उधर क्लास चल रही है, ये गलत काम है बेटा, इससे कुछ फायदा नहीं होगा, इससे सिर्फ आपका नुकसान है, आपका एनर्जी वेस्ट हो रहा है, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। तो कोशिश करिएगा कि अगर कुछ ऐसा होता है और स्कूल कुछ समय के लिए अगर गवर्नमेंट बंद करती है तो अपना ऑनलाइन अपने आप को मजबूत करिएगा, ताकि डेली का जो भी आपको टीचर पढ़ा रही है आप उसको टाइमली गो थ्रू करते रहें और अपने सिलेबस को टाइमली पूरा करके आप अच्छे से बोर्ड के एग्जाम में अपीयर हो। तीसरी बात, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि मौसम इस वक्त काफ़ी ठंड का है, आप सभी देख रहे हैं ठंड दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है और ऊपर से कोरोना का नए वेरिएंट का खतरा भी साथ साथ शुरू हो गया है, तो भारी भीड़ की जगह जाने से सभी बच्चे बचे। शाम को बच्चे बहुत निकलते हैं, शाम को बेटा ना निकले, क्योंकि कोई फायदा नहीं है, जरा सी एक बीमारी घर पे आ गई तो पूरे परिवार के ऊपर खतरा हो जाता है, तो इसीलिए कोशिश करिए भीड़ भड़ाक वाले इलाकों में ना जाएं, अपने फैमिली के साथ ही न्यू ईयर मनाएं इधर, क्योंकि बच्चों के अंदर काफ़ी क्यूरियोसिटी रहती है नए साल को लेकर के इधर उधर जाने की, तो उधर इधर उधर जाने से अच्छा अपनी फैमिली के साथ आप न्यू ईयर सेलिब्रेट करें, वो बहुत अच्छा टाइम होता है फैमिली के साथ बिताने के लिए, आप उसको इंजॉय करिए, लेकिन बाहर इधर उधर जाने से बचिए और भीड़ भाड़ इलाकों को तो बिल्कुल भी ना जाए, और अपने खान पान का जरूर आप ध्यान रखें, गर्म खाना ही खाएं, ठंडा खाना बिल्कुल ना खाएं, बाहर से जो फास्ट फूड है वो बिल्कुल ना खाएं,
कोल्ड ड्रिंक वगैरह को बिल्कुल आप अवॉइड करें, घर का ताजा बना खाना खाएं, दो टाइम खाइए, तीन टाइम खाइए। जितना अच्छा आपका डाइट रहेगा उतना ही अच्छा आपका शरीर रहेगा। कहते ना इंसान का जैसा तन वैसा मन और जैसा मन वैसा तन। तो इंसान का, मैं इसके अंदर एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि इंसान जैसा खाता है वैसा ही उसका मन बनता है और वैसा ही उसका तन बनता है। अगर आप अच्छी चीजें खाएंगे तो आप एक पॉजिटिव इंसान बनेंगे, अगर आप नेगेटिव चीजें खाएंगे जो शरीर के अगेंस्ट है तो आपके शरीर के अंदर नेगेटिव एनर्जी ही प्रोड्यूस करेगी, पॉजिटिव एनर्जी वो नहीं दे सकती। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चीजें पॉजिटिव एनर्जी प्रोड्यूस करती है, नेगेटिव चीज नेगेटिव चीजें ही शरीर के अंदर जो है अपकूल आती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं गलत खान पान का जो मैंने जिक्र किया वो गलत है, और खान पान सही जो है वो घर का खाना है, ताजा खाना हो तो गर्म गर्म खाना हो तो वो पॉजिटिव है, बाहर का कोई भी खाना हो वो नेगेटिव ही है, वो पॉजिटिव नहीं हो सकता। तो इसलिए घर के ताजे खाने को खाए, बाहर के गलत खाने से बचें। दूसरा और इम्पोर्टेंट बात सबसे लास्ट, कि पेरेंट्स हमेशा इस चीज को फोकस रखें कि बच्चों का आने वाला समय बहुत ही चैलेंजिंग है, क्योंकि 2 साल हो चुके हैं टाइम को निकलते निकलते, और अभी ये तीसरा साल भी शुरू होने वाला है, और सिचुएशन अभी कोई ज़्यादा हमारे हाथ में नहीं है कि आगे का समय कैसा रहेगा, हम कुछ भी नहीं कह सकते। सिचुएशन दिन प्रतिदिन और बढ़ी रही है गलत रास्ते पे, उसको कंट्रोल किया जाएगा, गवर्नमेंट अपना काम कर ही रही है, हमारा जो फ़र्ज़ है हम लोग भी पूरा कर रहे हैं, और पेरेंट्स भी उस चीज़ का जरूर ध्यान रखें घर पर रहते हुए कि बच्चों की सेहत के लिए कि टाइमली वो खाना खाएं, उठे बैठे और हर चीज़ को टाइम टेबल के हिसाब से करें। तो ज़्यादा ना टाइम लेते हुए बस मैं यही कहना चाहता हूँ सभी बच्चों को और पेरेंट्स को कि नए साल की आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और लोग ऐसे ही ज़िंदगी में खूब आगे बढ़ें, खूब तरक्की करें, माँ बाप के सपने पूरे करें, यही मेरी आप लोगों के साथ विशेज़ हैं नए साल के लिए। आप लोग जीवन में खूब आगे, धन्यवाद।